अभी तो यही प्लान है कि हम गुड़गांव में लैपटॉप खेल जाएंगे। देख लो आप कितना बेहतरीन व्यू हो रहा है। कैसे हो? मैं इससे चला गया ऋषिकेश। चलिए जी। हाँ आराम से, क्यों नहीं जाएगी? चलिए जी। ये है रॉयल एनफील्ड 650 कैफे रेसर, बहुत ही बढ़िया भाई। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। आज है सैटरडे, हम जा रहे हैं राइड पे। एक और मेरा फ्रेंड है, वो भी मिल गया मेरे को। और टाइम देख लो 6:15 हो रहा है अभी। अभी तो यही प्लान है कि हम गुड़गांव में लैपटॉप खेल जाएंगे। वहाँ पे तो सारा अंधेरा हो रहा है और वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है सीन। तो चलो प्लान चेंज होता है तो देखते। तो अभी तो मैंने इसको कोल्ड स्टार्ट किया है, थोड़ी देर रुकते हैं 5 मिनट के लिए, फिर निकलते हैं घर से। पूरी गली में तो भाई अंधेरा ही, अभी पता नहीं क्यों रोशनी नहीं हुई अभी तो। और देखते कैसी रहती राइड। सो आज का वेदर देख लो, क्लाउड्स हो रहे हैं अभी तो। तो हमें यहाँ से निकलना है लाजपत नगर साइड, और हमें वहीं पे मिलेंगे, मेरे जो फ्रेंड है वो वहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, जय माता दी। राइड की स्टार्ट करते हैं। मेरा फ्रेंड जो है वहाँ पे पहुँच चुका है, तो हम भी निकल ही रहे हैं। मैं DND फ्लाईओवर से जा रहा हूँ और सूरज देवता आ चुके हैं बाहर। देख लो कितना प्यारा और वेदर हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। सोच रहा था कि हम सब सोते रहते हैं 6 बजे या 5 बजे भी ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक और लोग बाहर आ जाते हैं। आप देख ही सकते हो कितने गाड़ियां हैं, कि लोग जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी। चलो जल्दी से पहुंचते हैं। वो पहुंच चुका है मेरा फ्रेंड, और फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ अपने DND वाले फ्लाईओवर से, सीधा लाजपत नगर निकल जाऊंगा। व्यू देख लो आप कितना बेहतरीन व्यू हो रहा है। ये व्यू ना बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग सोते ही रहते हैं। ब्यूटीफुल, सुबह उठना भी ना एक टास्क है ऐसे भाई साहब, ये चीज देखने की ऐसा ही आ गया। यहाँ पे थोड़े से ना काले बादल है, पता नहीं ऐसा क्यों है। जैसे ही मैं इस फ्लावर पे चढ़ाऊँ तो हल्के से काले बादल बन गए। जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं ना, लेपर्ड ट्रेड सोचे हमने, गुड़गांव में है कैफे, वहाँ पे तो और ही मजा आएगा। कैसे हो? बढ़िया, तुम बताओ? बढ़िया। अच्छा ये बाइक ही है? हाँ जी। अच्छा बाइक 650 और क्या है ना, मस्त। बुलेट से तो बहुत बेहतर है। बुलेट से, बुलेट अपनी जगह है, ये तो प्रॉपर वो है, कैफे रेसर। कैफे रेसर, कैफे रेसर तो बुलेट जो है वो आरामदायक है। हाँ ये थोड़ी सी वैसे है, क्या है सहारनपुर। अच्छा इससे गया था मैं 140 की स्पीड में। मैं गया था 140, मैं इससे चला गया ऋषिकेश। चलिए जी। हाँ आराम से, क्यों नहीं जाएगी? चलिए जी। दूर जाने के लिए ना बुलेट
पिलियन बिठा के पीछे बिठा के दो जने ऋषिकेश अभी का रास्ता बता तुमको कहाँ जाना है लोकेशन डालो मेरे को बताओ क्या कह रहे आप हाँ हाँ यहाँ पे भी हिल है। ये है रॉयल फील्ड 650 कैफे रेसर बहुत ही बढ़िया बाइक है बहुत ही बढ़िया लुक देख रहे हो दो साइलेंसर है और जो पोजीशन है ना बैठने की बहुत ही बढ़िया तो अभी हम पहुंच गए हैं गोला कुआ मेट्रो स्टेशन गुड़गांव की तरफ जा रहे थे हमें सीधे यहाँ देखो क्या बात है ओए होए बहुत ही बढ़िया सीन एकदम से देखा मैंने वहां पे लैंड होगा बढ़िया सीन था बिल्कुल वहां से एकदम से आया और मैंने देख लिया फिर रिकॉर्ड किया मैंने हमें यहीं पे जाना है इसी रोड पे तो यहाँ पे लगा लो ना आप यहाँ लगा लो 5 मिनट के बाद आएगी ना चलना है चल लो रुकना है रुक जाओ कोई बात नहीं मेरे को लगता तो है क्योंकि एक पहले लैंड होगी फिर आएगी ना मैं कहीं पर भी निकलता हूँ ना हाँ और पुलिस वाले पहले ऐसे रोकने लग जाते हैं भाई क्या है देखते हैं वो अब तो यही देखने लग गए हैं पूरा स्टॉक है सारा स्टॉक ही रखा है तो बुलेट निकाल दी बुलेट तो हमें नहीं ली थी ना? नहीं ली थी बुलेट तो यही है जो थोड़ी बहुत चली हुई होगी कितनी चली हुई है ये 17,000 अच्छा सहारनपुर में तो गया था यार इसमें अच्छा तब मेरे पीछे एक बंदा बैठा था हाँ उसको लेकर गया था 17,000 तो वो बंदा 140 की स्पीड में मेरे पीछे बैठा हुआ क्योंकि आप तो ऐसे होंगे यही से आया ये अगर हाँ हाँ 650 है ये 250 तक या 300 तक क्रॉस कर जाएगी मेरे को जहाँ तक लगता है इसकी मैक्सिमम स्पीड यही है सारा हटा के मतलब लाइट करके 240 यार 140 की स्पीड में पता है कौन चलता है 140 की स्पीड में 130 की स्पीड में तो राजधानी ट्रेन चलती है हाँ। 140 अभी हम एक और फ्लाइट का वेट कर रहे हैं आएगी क्या अभी स्टार्ट किया है अभी कर रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे ना एयरपोर्ट है इधर वाली साइड राइट साइड और बिल्कुल पास से गया है एयरप्लेन बहुत मतलब इतनी ही ऊंची होगी मतलब जितना हमारा पेड़ है ये राइट साइड कितना ही ऊंचा होगा बहुत ज्यादा पास से गया बहुत मस्त जैसा हमने ऊपर देखा था पुल पे वैसे ही बिल्कुल पास से गया देखिए अच्छा भैया बिल्कुल नहीं देखते लोग बिल्कुल भी नहीं गुरुग्राम आगे लिखा वहां पे एक और फ्लाइट लैंड हो रही है अभी भाई लोगों ये वही पौधे हैं जो चुराए गए थे वीडियो तो देखी होगी आप सबने ये देखो गुड़गांव में हमने एंटर किया है और ये सारे पौधे वहां पे भी लगे हुए हैं देखो सब जगह वही वाले पौधे ट्यूलिप्स के पौधे हैं शायद
तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे, तो ब्रेक लिया है। अभी मैप देख रहे थे कि कहाँ पे कैसे जाना है, रास्ता नहीं पता था हमें, फर्स्ट टाइम है हमारा। तो ये देख लो दोनों, मेरी तरफ से तो ये भी बीच ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं आई इसके साथ, तो बिल्कुल आराम से चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया से। और उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवा देंगे, ये भी स्टॉक ही है पूरा, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवा देंगे ना, वो भी एक नंबर हो जाएगी। अब थोड़ी बहुत देखो, सूरज तो आ गए, सूरज देवता आ चुके हैं, ये देखो तो सूरज देवता आ चुके हैं। थोड़ी बहुत गर्मी तो हो ही जाएगी स्टार्टिंग, 8 बज गए हैं अभी हमें, सुबह 6 बजे निकला हूँ अपने घर से, अब पता नहीं घर कब तक पहुँचेंगे। तो ये है अपनी दोनों बीस्ट, इनके में 130 का टायर डला हुआ, और मैं भी सोच रहा हूँ 140 तो इसके अंदर डलवा लूँ पीछे वाले टायर में।